मान लीजिए आपका एक आदमी एक महीने में 2400 रुपये कमाता है, जब आपके प्याज की कीमत है 5 किलो की 100 रुपये, तो वो गवर्नमेंट उसको मानती कि वो अमीर सॉरी पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अब मान लीजिए प्याज की कीमत हुई 150 रुपये और वही आदमी कमाता 2400 रुपये, तो अगर प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो गवर्नमेंट को अपनी जो पॉवर्टी लाइन की जो उनका वो जो इनका मापदंड है, जो इनका मेज़र है, वो भी उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब 2400 कमाने वाला आदमी गरीबी लाइन से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जो कीमतें हैं, जो फूड ग्रेड कीमतें हैं, उनमें क्या है, बढ़ोतरी हुई है, और उसकी जो कमाई है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो वो क्या आएगा, गरीबी लाइन से ऊपर नहीं आएगा। ये आपका यहाँ पर था। On the basis of this calculation for the year 2011 and 12, the poverty line for a person was fixed at ₹816 per month for rural areas and ₹1000 for urban areas. अब जो कैलकुलेशन करके जो गवर्नमेंट ने क्या निकाला था कि 2011-12 में जो पॉवर्टी लाइन क्या है फिक्स की गई थी 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़ की। अगर एक आदमी रूरल एरियाज़ में यानी कि गांव में 816 रुपये महीने कमाता है एक महीने में, एक 816 रुपये कमाता है एक महीने में, तो वो क्या होगा, गरीबी रेखा से नीचे नहीं होगा। ये आपकी कोर्ट लाइन फिक्स की गई थी, जो रुपया जो आदमी 816 रुपये कमाता है महीने में वो गरीब नहीं होगा, वो गरीबी रेखा की से ऊपर होगा। और शहरों में कीमत तय गई थी 100,000 रुपये पे, 1000 रुपये कमाने वाला हर महीने गरीब नहीं होगा और उससे नीचे कमाने वाला गरीब होगा। डिस्पाइट लेस कैलोरिक रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस ऑफ मैनी सेशन प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। अब हमने पढ़ा था कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट गाँव में कितनी होती है 2400 और शहरों में कितनी होती है 2100। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो शहरों में क्या होता है पॉवर्टी लाइन कितनी, 1000 रुपये से कमाने वाला 1000 रुपये कमाने वाला वो क्या होता है हमारे गांव में पॉवर्टी लाइन से ऊपर होता है, सॉरी शहरों में पॉवर्टी लाइन से ऊपर होता है और गांव में 816 रुपये। मतलब क्या है, शहरों में कैलोरी कम चाहिए लेकिन प्राइस ज़्यादा फिक्स किया गया है, और गांव में कैलोरी ज़्यादा चाहिए लेकिन प्राइस कम फिक्स किया गया, सॉरी जो अमाउंट है जो इनकम है वो कम फिक्स की गई है। तो ऐसा क्यों है कि डिस्पाइट द लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट जो गाँव शहरों में जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो कम होती है, तो फिर भी जो हायर अमाउंट फिक्स की गई है अर्बन एरियाज़ के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर, क्योंकि जो शहरों में जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो हमारे ज़रूरतें की चीज़ें जिनके बारे में ना काम नहीं चल सकता, उनके जो प्राइसेस होते हैं शहरों में वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं गांव के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो गांव जो शहरों में कीमत है जो इनकम की जो इनकम का लेवल है वो ज़्यादा फिक्स किया गया है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज ड्यू टू हाई प्राइसेस। इन दिस वे इन द ईयर 2011 एंड 12 फैमिली ऑफ 5 मेंबर लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड अर्निंग लेस देन ₹4,080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर एक आदमी एक फैमिली के 5 मेंबर हैं जो कि गांव में रह रहे हैं और 4,080 रुपये से कम कमा रहे हैं महीने में, तो क्या होंगे, बिल पॉवर्टी लाइन होगी। और सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड ₹5,000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। और शहरों में ऐसा क्या होगा, शहरों में अगर एक फैमिली में 5 मेंबर है और वो 5,000 उस फैमिली की पूरी इनकम है हर महीने की, तो वो क्या होगी, वो सिर्फ वो मतलब वही आपके पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे, क्योंकि सिर्फ आपके जो 5,000 है वो बेयर मिनिमम इनकम है, इतने तो आपकी होनी चाहिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉमिनली एवरी 5 ईयर बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। जो पॉवर्टी लाइन है वो हर पीरियडिकली यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद एस्टिमेट की जाती है आपके सर्वे कंडक्ट करके, और ये ज़्यादातर 5 साल बाद कंडक्ट की जाती है। दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाई द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये सर्वे है आपकी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ऑर्गेनाइज करती है। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज एन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। ये तो थी कंट्री की बात, कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में NSSO सर्वे करती है और
और ये पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते कि इतनी पॉवर्टी लाइन इस इतनी अगर इनकम होगी तो इसमें इतनी पॉवर्टी लाइन ये आपकी डिसाइड की जाएगी। लेकिन जो कंपैरिजन होता है बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि जो विकासशील देश हैं उनमें कंपैरिजन करने के लिए जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, वो क्या करती है यूज़ अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। वो क्या करती है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, यानी कि जो सबके लिए सेम होगा स्टैंडर्ड वो पॉवर्टी लाइन के लिए, वो पॉवर्टी लाइन एज ए पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है। और वो क्या होता है मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.1090 पर डे। और वो क्या स्टैंडर्ड है जो सबके लिए, वो क्या है कि अगर हर एक पर्सन को एक दिन में $1.90 मिल रहे हैं तो वो क्या है पॉवर्टी लाइन से पॉवर्टी लाइन पर लाइक करता है या उससे ऊपर है। अगर एक पर्सन को हर दिन $1.90 नहीं मिल रहे हैं, उसके पास नहीं है $1.90, तो वो क्या है पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये था आपका पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट हम आपका पॉवर्टी एस्टिमेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।